अच्छा लगा. मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी टू MPCR जिन्होंने ये ब्यूटीफुल मौका दिया है टू ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग टू मेक इट बिग इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडलिंग एंड पैजेंट्स. पैजेंट्स ही है जो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ इंस्टेंट आप स्टार तो बन जाते हैं, एट द सेम टाइम पूरा वर्ल्ड आपको जानने लगता है और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है टू शोकेस योर टैलेंट एंड टू एक्सेल इन इट. सो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी. बहुत अच्छा लगा मुझे, हर एक पार्टिसिपेंट विनर जैसा लगा. मुझे लग रहा था ओ माय गॉड ये एक्चुअल कंटेस्टेंट हमारे फाइनलिस्ट ही हैं. तो मुझे आप सब में वो खूबसूरत सा हुनर दिखा. आप सबको बधाई देना चाहूंगी. एट द सेम टाइम कहना चाहूंगी वेल दिस इज द बिगनिंग ऑफ योर ब्यूटिफुल लाइफ, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आप प्लीज अपना पूरा का पूरा फोकस इसी में दें एंड आई एम श्योर यू एक्सेल एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट्स. मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. 2023 इज रियली ब्राइट आप सबके लिए. सो अ वेरी वेरी सनशाइन 2023 टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू जी. आज मुझे यहाँ ऑडिशन में आने का, सब लोगों से ऑडिशन लेने का मौका मिला. आज मुझे ये नहीं लगा कि मैं ऑडिशन ले रही हूँ, सारे हमारे कंटेस्टेंट सब सेलेक्टेड है और एक से एक मॉडल है, सुपर मॉडल है. गर्ल्स भी सुपर मॉडल है और बॉयज भी, तो सभी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छे टैलेंट है. और मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसी तरह इस शो में आए और आगे बढ़े. और हम लोगों का MTMTCR ग्रुप अब आप लोगों को बहुत अच्छा मौका देने जा रहा है उनके OTT प्लेटफॉर्म में. आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी आगे में. इसके आगे आपको और भी मौका मिलेंगे और इंटरनेशनल पेजेंट में भी आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा. और इस ग्रुप के साथ हमेशा आप जुड़े रहें और हमें भी जुड़े रखें. थैंक यू. मेरा नाम सैयद सनाउल्ला है. मेरी कंपनी का नाम है फैशन एंड ग्लैमर वर्ल्ड और मैं जो MTCR ग्रुप और जिम खाना से जुड़ा हुआ हूँ. और ये हमारे मोनिका जी हैं #events के ओनर हैं. तो हम दोनों मिलकर अपने शहनवाज सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. हम इनको एक जिम्मेदारी दी थी, ये इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है. जब से 8 दिन से इन्होंने जो है ना इतना हार्डवर्क किया है अभिषेक जी के साथ. अभिषेक जी कहाँ पर हैं? अभिषेक सर कहाँ पर हैं? मैं गूगल पे हूँ. अभिषेक सर और इन दोनों की मेहनत जो है ना हमें बहुत पसंद आई. तो ये शहनवाज सर हैं, कपिल शर्मा का शो जो है ना मैनेजमेंट करते हैं. सर आपके बारे में. मैनेज बाय कपिल शर्मा शो. थैंक्स फॉर सैयद जी एंड शहनाज जी एंड अभिषेक जी. मुझे बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया है और अब मैं सभी जितने भी यहाँ पे गाइज आए हैं, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, उनका भी थैंक्स अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया हमें. देन सेकेंड ये अब हम जो है ना इसका फाइनल कर रहे हैं गोवा में 25 तारीख को. इसमें 25 तारीख जो हम फाइनल वहाँ कर रहे हैं, आपको चाहिए कि सब वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें. बिकॉज क्योंकि वो OTT प्लेटफॉर्म भी अनाउंस कर रहे हैं और 100% आप सबको चांस मिलेगा, मेरी गारंटी है. अभिषेक आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से इसमें जुड़े हुए हैं आप प्रोजेक्ट से? तो शहनवाज सर आए मेरे पास, बोले अभिषेक एक शो करना है, तैयारी करनी है, तो एक बार दोबारा रीटेक लेंगे. तो ओके, बोले अभिषेक एक तैयारी करनी है, एक नए जो आर्टिस्ट है कलाकार है उनको एक प्लेटफॉर्म देना है. तो हमने सोचा कि ठीक है एक शो कर रही है, तो सर के साथ मिलकर भी शो कर रहे हैं. अभी देखते हैं इस शो को कैसे आगे ले जाते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना है, फेस्टिवल सीजन है, साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, नए टीम आ रही है, नए OTTs आ रहे हैं और जितने भी हमारे नए कलाकार हैं उनको सपोर्ट तो करना पड़ेगा. अच्छा, मुंडे सर, रमाकांत मुंडे सर,
आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया, इतना हमने जिम्मेदारी आपको दी थी उससे बहुत ज्यादा करके दिखाया आप, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये जो शो होने वाला है 25 को बोल रहे हैं, हाँ वो 25 को है, 26 को है, फाइनल डेट बताए और मुझे आप लेके जाएंगे कि नहीं वो भी बताएं। बिल्कुल लेके जाएंगे, आप इनवाइटेड हैं कि प्लस आप रैंप वॉक आपको करना पड़ेगा। ये इवेंट होने जा रहा है जिम खाना क्लब सर्विस लिमिटेड गोवा, ये साउथ गोवा में है और ये इवेंट जो है ना 3 दिन का इवेंट है, 25, 26 और 27 तारीख का इवेंट है। 25 तारीख को सभी लोगों को हाजिर होना है और 28 तारीख एक मिनट 3 दिन 28 तारीख को आप जाना है, तो बाकी जो है ना अपने मोनिका जी थोड़ा मोनिका जी बताएंगे डिटेल, पूरा डिटेल बताइए। क्योंकि ये 3 दिन का इवेंट है, 27 तारीख को हमारा ग्रैंड फिनाले होगा, उससे पहले जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देंगे ग्रूमिंग्स की और मतलब वॉक की, मतलब हर चीज उनको वहाँ सिखाई जाएगी और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं उनको वहाँ की खूबसूरती भी दिखाई जाएगी, जो हमने वहाँ की प्रॉपर्टी तैयार की है उसकी खूबसूरती, मतलब आप लोग गोवा जाएंगे तो ऑब्वियसली सब घूमने के उससे जाते हैं कि हमें एटलीस्ट गोवा देखे, तो वो प्रॉपर्टी आपको इतनी खूबसूरत है कि आप वहाँ के गार्डन्स वगैरह और सबसे बड़ी बात वहाँ का जो स्पा है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब जैसे कि आप लेटेस्ट चल रहे हैं वो सब नहीं है, बहुत पुराने तरीके से वहाँ पे किया जा रहा है, शांति है, मतलब काफी अच्छा है। जिम खाना क्लब सर्विसेस और अपना एक बार सब क्लब दीजिए, थैंक्स फॉर सिमरन, शी इज इंटरनेशनल एंकर, उन्होंने आपको साथ दिया है और बड़ी अच्छे टाइम से उसने जिनका सबसे अच्छा और प्लस मुंडे जी।